इसमें संयोग की बात है, जब हम पिछली बार यहाँ से आए थे तो अभी 6 भक्तों की दीक्षा हुई थी, आज पुनः यहाँ पे आए हैं, आज पुनः 6 भक्तों की दीक्षा हुई है। इनका नामकरण का समय है अब। रुद्रमय कथाचे तुम्हार नाम हो रे सनातन काले रसिक मणिदास, आनंदिनी दासी, वृंदारिका दासी, बिंदुमती दासी, भावमयी दासी, मानसी बाबा ने हरिनाम आपको दिया था तो आपका नाम दो नहीं कर देंगे तो आप मानती लगा दस। इनकी दीक्षा काफी शीघ्र हुई थी, हुई है, होनी नहीं थी पर हुई है, कारण इनकी बात ने हमें काफी प्रसन्न किया था। वो ये है कि यद्यपि ये हमसे केवल एक ही बार मायापुर में मिले हैं, वो भी कुछ दिनों पहले, परंतु हमें पता चले भक्तों के द्वारा कि जो हम प्रवचन में बात कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि सिर्फ 2 ही कपड़े होने चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ 2-3 जोड़े अपने कपड़े बाहर निकाल के सारे पैक करके अंदर रख दिए। ये काम पे जाते हैं कहीं भी हैं, टोटल के 2-3 जोड़े हैं बस, बाकी सब पैक करके ताला लगा के अंदर रख दिए। तो गुरु का स्पर्श करना या गुरु की वाणी का स्पर्श, गुरु का आलिंगन करना या गुरु की वाणी का आलिंगन करना, कोई भेद नहीं है। ये भी गुरु का वपू है, वो वाणी रूप से है, गुरु वाणी रूप से भी मौजूद हैं और वपू रूप से भी। तो जो वाणी का आलिंगन करते हैं वपू के सानिध्य में, एक ही बात है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि
सारे कपड़े समेट के केवल दो जोड़े कपड़े में रहने हैं, और सबको रहना चाहिए वास्तव में ऐसे, गिनती के दो तीन जोड़े कपड़े होने चाहिए और वही पहने जब तक तो फटना जाए, और जो फट जाए तो अगला जोड़ा फिर इस्तेमाल कर लें। और ऐसा नहीं है ये कोई हाउस वाइफ टाइप की है कि हाँ जी इन्होंने कमरे के बाहर नहीं निकलना, इनका खुद का ब्यूटी पार्लर है, उसके बावजूद भी ऐसे डिटर्मिनेशन कि मैं इतनी सादगी से अपना ब्यूटी पार्लर काम भी मैं करूँगी, तो बहुत अच्छी लगी मेरी बात। आपने भी दोनों ने हस्बैंड वाइफ एक ने नहीं किया और किसी ने किसी को बोला नहीं है, स्वयं प्रेरित होके इन्होंने ये किया, और आप सब भी इससे प्रेरणा लेके संदूक में बंद करके रख दें अपने दो चार रुकों में छोड़ के, तो इससे भक्ति में उन्नति होगी। ब्रह्मचारियों की तरह जीवन है, जो ब्रह्मचारी भी हैं उनके पास तीन से ज़्यादा कपड़े हो, पर ये तीन मेरे दो तीन कपड़े जोड़ों में रहने बहुत अच्छी बात है। राधेश यस्या प्रसादान भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान नगति कुतोऽपि, ज्ञायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या, वन्दे गुरा श्री चरणारविन्द। नमो महाबलन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री गोसाईर करी चरणावंदना, जाहोत विघ्ननाश अधीष्ट पुरा, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा गुरु पूजा तो करते हैं, पर मूलतः ये दिन है ये हमें पुनः याद दिलाने के लिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है और हम उसकी कितनी कद्र कर रहे हैं और कितनी कद्र करनी चाहिए, केवल ये याद दिलाने के लिए।
गुरु पूर्णिमा मतलब रिमाइंडर दिवस कह सकते हैं, हमें रिमाइंड करवा कि हमें क्या प्राप्त हुआ। अगर हमें सिर्फ समझ आ जाए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, होगा नहीं, होगा नहीं, क्या प्राप्त हुआ, बस ये समझ आ जाए तो हमारे मन प्राण बिक जाएंगे गुरु ग्रंथ के चरणों, बिक जाएंगे सदा सदा के लिए। हम पुनः प्रयत्न करेंगे ये बात समझाने का। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, रामचरितमानस, जब द्रवे दीन दयाल राघव, जब राघव भगवान राम द्रवित होते हैं, श्री हरि द्रवित होते हैं किसी पर, द्रवित मतलब पिघल जाते हैं किसी को, क्या करते हैं, साधु संगति पाइए, उस व्यक्ति को साधु का संग प्राप्त होता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे ऊपर श्री हरि की कृपा है, कैसे पता चले क्या हमें साधु संग प्राप्त है? यदि है तो श्री हरि की विशेष कृपा है। गाड़ी है तो वह कृपा है नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो कृपा है, मैं बहुत सुंदर हूं, नहीं नहीं ये नहीं बोला, सुंदर हो तो जब द्रव दीन दयाल राघव सुंदर मूर्ति पाई है, ये नहीं बोला है, साधु संगति पाई है। अच्छा, हम प्रथम एक बार याद रखिएगा, जो भी हम बोल रहे हैं सिर्फ प्रथम पंक्ति का विस्तार कर रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हो, बस और कुछ नहीं, चाहे हम एक घंटा बोले, दो घंटे या तीन घंटा, एक ही पंक्ति के ऊपर कि हमें प्राप्त क्या होगा, और बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जब द्रवे दीन दयाल राघव, द्रवित हो गए भगवान तो साधु साधु की संगति दे दी। अब साधु तो नारायण के भक्त भी हैं, साधु तो राम के भक्त भी हैं, नरसिंह के भक्त भी हैं, श्री कृष्ण के भक्त भी हैं साधु, दास्य भक्त जो है कृष्ण के या सखा भाव में हैं, सभी श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो वो सभी साधु हैं, तो क्या सभी साधु संगति एक बराबर है? उन्होंने तो साधु संगति बोला ना, साधु संगति पाइए, कि हमें वही भक्तों का संग मिला जो नारायण के उपासक हैं या राम के उपासक हैं। पुण्य पुंज बिनु मिले ना संता, बिना पुण्यों का पुंज, आपने जो जन्म जन्मांतरों में पुण्य करे अक्षरधाम से पुंज हो जाएगा ना, टनों टनों में पुंज हो जाएंगे, तो तब संत के दर्शन होते हैं, उनकी संगति प्राप्त होती है। पुण्य पिंज बिनु मिले ना संता, संत के दर्शन प्राप्ति नहीं होते हैं। और जे ही दरस परस समागम आदि पाप राशि न साहिए, जिन ऐसे साधुओं का संग जब मिलता है तो उनके दर्शन से, उन्होंने स्पर्श कर दिया, स्पर्श होता है त्वचा से भी, स्पर्श होता है दृष्टिपात से भी, जैसे दृष्टिपात साधु ने कर दिया किसी पे, उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श कर दिया दृष्टिपात से या देह रूप से, दरस परस समागम आदि, उनका समागम प्राप्त हो गया, पाप राशि नशाई है, पापों की राशि है वो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, नलीफाइड हो जाती है। सभी संत हैं परंतु रस के अनुसार श्रेष्ठतम संग है। भगवान राम के जो भक्त हैं, दास्य भाव में नरसिंह भगवान के भक्त हैं, उनको रसिक नहीं कहा जाता, रसिक भक्तों का संग, ये नरोत्तम दास ठाकुर प्रेमवती चंद्रिका में बता रहे हैं, रसिक भक्तों का संग प्राप्त होना। क्या बोले, शब्द नहीं है हमें ये बताने के लिए कि हमें क्या प्राप्त, मतलब समझो संत मिल गए, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मतलब पिघल गए हैं तभी आपको संत प्राप्त हुए हैं, ये तो संत के बारे में बताया जा रहा है।
और ऊपर से कबीरदास जी क्या कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। संतों की संगति के लिए बोला गया है, जब द्रवित होते हैं राघव तो साधु संगति मिलती है। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाने पे एक फल मिलता है, संत के मिलने पे चार फल। देखो अभी साधु संगति में हमारे को द्रवित हो गए हैं राघव, और कबीर क्या कह रहे हैं, सदगुरु मिले अनंत फल। एक बार सोच सकते हैं, चार फल वर्सेस अनंत फल, सदगुरु मिले अनंत फल, कह कबीर विचार। कबीर कहते हैं बहुत विचार करके बात बोल रहा हूं, सदगुरु मिले अनंत फल। द्रवित में तो साधु संग मिल जाता है, वो चार फल के बराबर है। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई, राधा रानी और गोपियों के बीच का अंतर, सुमेरु पर्वत और चार सरसों के दाने, बिल्कुल वही बात यहां बोली जा रही है। संत मिले फल चार और सदगुरु मिले अनंत फल, कितना भेद है गोपी के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में, कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। चार सरसों के दाने और एक हिमालय पर्वत जितना प्रेम, क्या कोई कंपैरिजन हो सकता। तो संत मिलने का मतलब है द्रवित हो गए, और सदगुरु मिले अनंत फल। जानियो संत अनंत समान, संत को अनंत के भगवान के समान जानियो। साधु संग मिलना ही इतना लाभप्रद है, तो जो गुरु का गुरु प्राप्त हो जाए, हमारे से दीक्षा इत्यादि हो जाए, तो अनंत फल प्राप्त हो गया। जीवन में उसके और कुछ करना नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो गया। काश हमें ये बात समझ आ जाए। श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरु को करुणा सिंधु कहा गया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बात को तो बहुत लाभ में रहेंगे। करुणा क्या होती है, ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि करुणा क्या होती है। वह कह रहे हैं अनुकंपा, संस्कृत को भी रिलिश करिए। अभी मैं सोचे हमें हमको आपको संस्कृत समझा रहे हैं। अनुकंपा च पूर्णो अपि, जीव गोस्वामी कह रहे हैं वैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णो अपि अनुकंपा च, आ गई मन में अनुकंपा कृपा करने की, आ गई तो आ गई है पूर्ण अनुकंपा च। स्व अस्मिन् सेवाते अभिलाषम संपाद्य सेवक आदिशु सेवादि सौभाग्य संपादिका भगवत चित आदरते आदरतमयी तद उपकार इच्छा। मतलब हमारी भाषा में इसका मतलब यह है तद उपकार इच्छा, अनुकंपा च पूर्णो अपि तद उपकार इच्छा, मतलब उपकार करने की इच्छा आ गई भगवान के मन में कि मैंने उपकार करना है बस। भगवान तो स्वतंत्र है ना, आ गई इच्छा उपकार करना। जब करुणा का क्या मतलब है कि बस भगवान के मन में ठान ली भगवान ने मैंने उपकार करना है। अच्छा, इस बात को कहते हैं भगवान की करुणा की मैंने उपकार करना है, इसको करुणा कहते हैं भगवान। तो उपकार कैसे करते हैं, वह एक सामान्य जीव के अंदर भगवान की सेवा अभिलाषा जगाते हैं और उसको फिर भगवत प्रेम देके कृतार्थ करते हैं, जिससे वो भगवान का दर्शन और भगवान की सेवा निरंतर पा पाए, जन्म जन्म का सूखा खत्म हो जाए और निरंतर भगवान के दर्शन और सेवा पा पाए। ये है भगवान की करुणा और भगवान की उपकार इच्छा। दूसरी कोई करुणा नहीं होती भगवान की, एक ही करुणा होती। ध्यान से समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात। भगवान के मन में आ गई कि मैंने उपकार करना है, इस पे करुणा करनी है, इसको अपना दर्शन सेवा सौभाग्य देना है, ठान ली, तो क्या करते हैं फिर उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। आपकी भाषा में बोले जैसे आपने पैसा कमाना है तो उसके लिए आप प्रयत्नशील होते हो। जैसे आपने पैसा कमाना है तो 12वीं पास करी है, स्कूल कॉलेज कर रहे हो, फिर ये अप्रेंटिसशिप जो भी नौकरी इत्यादि करते हो, उसके बाद नौकरी, मतलब प्रयत्नशील हो, कंटिन्यूअसली सालों साल प्रयत्न करो, उसके बाद कहीं नौकरी वगैरह लगेगी। उसी तरीके से प्रयत्नशील भगवान जो है उनकी जो करुणा है, प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है
उसकी प्रकट मूर्ति गुरुदेव। भगवान प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रकार इसको पूरा उपकार कर दूं, तो उस उपकार करने की इच्छा को अगर मूर्ति बना ली जाए, उस करुणा करने की इच्छा को अगर मूर्ति बना ली जाए, तो भगवान की करुणा देखा जाए तो निराकार शब्द है ना, इसके मन में बड़ी करुणा है, ये बड़ा करुणामय व्यक्ति है, बोलते ना बड़ा कंपैशनेट है, बड़ा करुणामय है, तो करुणा का नजर कोई व्यक्ति है कोई नहीं, पर भगवान की करुणा भी एक व्यक्ति है। भगवान की करुणा जो साकार रूप लेती है वो श्री गुरु होते। भगवान पे हमारे पास करुणा है, कैसे? क्योंकि उनकी करुणा साकार रूप लेके वो गुरु रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। भगवान की करुणा जैसे भगवान का आनंद है, बोलो मैं बड़ा आनंदित हूं, दिखाओ कहां, ये वो दिखाने की बात है, पर भगवान का आनंद भी दिखाने की बात है। राधा रानी भगवान का आनंद स्वरूप है, जैसे आनंद स्वरूप जो है वो भी व्यक्ति है भगवान के कंटेक्स्ट में, उसी बारे भगवान की करुणा वो भी एक व्यक्ति है, वही वो गुरु है साकार रूप में, जो भगवान की करुणा से गुरु कहते हैं, चलती फिरते करुणा वो गुरुदेव है, वॉकिंग मर्सी, मर्सी पर्सोनिफाइड, करुणा धन विग्रह। आज समझ आए करुणा धन विग्रह होता क्या है, हमने सुना था इतने सालों से, अब समझ आए क्या होता है, क्यों होता है भाई, करुणा करने की इच्छा हो गई, कृपा जो है वैसे निराकार है, पर निराकार को एक रूप दे दिया गया, वही गुरुदेव होते हैं। वही वही सच्चिदानंद परमात्मा ने जीव कल्याण करने के लिए जिस देह को माध्यम बना के सबको दिव्य ज्ञान देते हैं, प्रेम प्रकाशित करते हैं, वह श्री गुरुदेव, जिस देह को माध्यम बना के वही सच्चिदानंद परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, वो ही है, दूसरा नहीं है कोई, वो ही है। अब जो प्रयत्नशील भाव, बड़ा ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप समझो, समझ आ गया यहां तक, अगला समझो, जो प्रयत्नशील भगवान है वो तो नारायण की सेवा के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वो गुरु की मूर्ति भी साकार रूप जो है वो नारायण की करुणा का मूर्त स्वरूप है, बिल्कुल सही बात है। राम भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध संत हैं, वो भी प्रयत्नशील राम भगवान की करुणा का मूर्त स्वरूप है, परंतु गौड़िया वैष्णव गुरु कौन है, वो राम की तरह है, राम की करुणा का मूर्त स्वरूप है। अच्छा, क्या वो कृष्ण की करुणा का मूर्त स्वरूप है? वो कौन है? राधा प्रियाय धीमहि, वो राधा रानी की प्रिय दासी है, राधा रानी की प्रिय दासी। राधा रानी प्रिय दासी क्या होती है, हम आपको बता रहे हैं कि हमें बस ये समझ आ जाए कि हमें प्राप्त क्या हुआ है। इतनी बुक्स सारी लाना तो संभव नहीं था, इसलिए हम कुछ चीजें लेके आए हैं। महादेव शिवजी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मादिनाम महा आराध्यम दूरतः सेवते सुरः ताम राधिका यो भजते देव ऋषे तम भजेम अहि। शिवजी नारद जी को कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हे देव ऋषि नारद, जो ब्रह्मा आदि की भी परम आराध्य हैं, राधा रानी ब्रह्मा आदि परम आराध्य हैं, देवतागण जिनकी दूर से सेवा करते हैं, दूर से। शिव जी क्या बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं राधा रानी के भजन का अधिकार मुझे नहीं है। कई सोचते हैं शिव जी भगवान कृष्ण एक है, एक वो खुद क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राधा रानी के तो भजन का अधिकार मुझे नहीं है, हम नहीं बोल रहे, ये नारद जी को शिव जी स्वयं अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं कि राधा रानी के भजन का अधिकार मुझे नहीं है, अतः जो लोग राधा का भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं। हमें क्या प्राप्त हुआ है, समझ आए कुछ? शिव जी बोल रहे हैं मुझे राधा रानी के भजन का अधिकार नहीं है, तो जो राधा रानी का भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं, मतलब जैसे जो भजन कर रहे हैं
और जो गुरुजन है वो कौन है? राधा प्रिया है धीमहि, राधा रानी प्रिय दासी है, अभिन्दे अभिन प्राण, उनका भजन नहीं कह रहे वो कि भजन करते हैं उनका, यहां पे मैं उनका भजन करता हूं। यदि शिव जी की पहुंच राधा प्रिया धीमहि तो होगी, तो अभिन्दे अभिन प्राण है तो पहुंच राधा रानी तक ही होगी ना, वहां तक तो पहुंच नहीं है। जो राधा रानी का भजन करते हैं, भजन उनका भजन शिव जी का। राधा कृपा कटाक्ष आपने सुना होगा, किसने किसके द्वारा रचित है वो? शिव जी द्वारा। क्या बोलते हैं वो? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्री जा उलोम जा विरिंची जा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिद्ध सत पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष वाजना। क्या कह रहे हैं शिव जी? शिव जी कह रहे हैं, शिव जी के श्रीमुख की वाणी है, देखिए पहले तो नारद जी को बोल रहे हैं, अब राधा कृपा कटाक्ष जो सब लोग करते हैं, वो कह रहे हैं अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी। हमें एक लाइन को हमको बताना पड़ेगा शास्त्रों से, तो हम रात तक यहीं बैठे रहेंगे, पर वैकुंठ बताने के लिए हमारे गंधर्व महिमा खोलनी पड़ेगी, हम थोड़ा कमती में ही समझने की कोशिश करेंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक, तो अनंत विष्णु लोक हैं, नारायण विष्णु अनंत हैं, उस सब की जो लक्ष्मी है स्वामिनी, हर वैकुंठ की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी। तो बता रहे हैं शिव जी अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामी लक्ष्मी के द्वारा तो राधा ने पूजिता है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, जा अर्चिते, जार्चिते नहीं है, जा अर्चिते, अर्चन मतलब पूजन, जा अर्चिते, अर्च पूजन करती है लक्ष्मी ना राधा रानी का, हिमाद्री जा। फिर कह रहे हैं पार्वती इंद्राणी और सरस्वती वो वर प्रदान करने वाली, हिमाद्री जा पार्वती, कुलोमजा इंद्राणी इंद्र की पत्नी, विरिंची जा सरस्वती वर प्रदे, राधा रानी को तो वर देती हैं, तो जिसको वर दे रहे हैं वो कौन है? किनको वर देते हैं? पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, ये राधा रानी। राधा अलबेली सरकार बजे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे राधे, अलबेली सरकार सरकार बजे जा राधे राधे। ऐसी सरकार होती है, वर किसको देते हैं? हम किसको देते हैं दान? वो भिखारी को, रामू श्यामू टामू को, ये किनको दाती है वर? लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, इनको तो ये वर देती है। आगे शिवजी के वचन है, महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। क्या कह रहे हैं? सभी यज्ञों की स्वामिनी, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, मतलब छोटी सी बात है हरेक की स्वामिनी, ठाकुर जी की भी स्वामी, सबकी फाइनल बॉस, बॉस की भी बॉस। बॉस कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारणम। वो वहां पे क्या करते हैं? नमाम्यहम्। राधा रानी को नहीं, राधा रानी की दासियों को। अलबेली सरकार बजे जा राधे राधे, राधा रानी की दासियों को नमाम्यहम् करते हैं श्री कृष्ण। ऐसी सरकार है राधा रानी, ये हमें प्राप्त हुआ है, ये व्यास पूजा में आने का आपको बताने का एकमात्र उद्देश्य आपको प्राप्त किया, समझ तो आ जाए एक बार। पार्वती जी शिव जी को बोलती हैं कि भाई, भाई नहीं बोलती वो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो कहते हैं
या मैं अगर कृपालु हो तो मुझे कुछ बताएं। श्री राधिकाय नमः मधा श्री राधा कवचम पार्वते उवाच कैलाश्वासिन भगवान भक्तानुग्रहकारका राधिका कवचम पुण्यम कथयस्वमं प्रभो यद्यस्ति करुणानाथ त्राहि माम दुःखो भया त्वमेव शरणं नाथ शूलपाणे पिनाद्रिका। इसका सल्लार्थ ये है, श्री राधिकाय नमः, ये आगे बाद में करते हैं, इसका सल्लार्थ करते हैं। पार्वती ने कहा, पार्वते उवाच कैलाशवासिन भगवान, हे कैलाश में रहने वाले भगवान, हे शिव जी, आप भक्तों पे इतनी अनुग्रह करते हो, कृपा करते हो, आप क्यों नहीं मुझको भी राधा रानी का पावन कवच सुनाते हैं। अब सोचते हैं एक हमारे भक्त गई थी, वो कहते हैं पार्वती और वो राधा रानी एक है। कहा बच्चे एक हमारे सुन के ना मतलब अंदर से कुछ हो जाता है। पार्वती जी कह रही हैं राधा रानी का पवित्र कवच आप मुझको सुनाओ। राधिका कवचम पुण्यम कथयस्व मम प्रभो, मेरे प्रभु शिव जी कथयस्व मुझे कथा करके सुनाओ क्या। राधिका कवचम पुण्यम यद्यपि करुणानाथ त्राहिमाम प्रभो भया, आप करुणानाथ यदि आपकी मुझ पर पूर्ण कृपा है और क्या बोल रही है पार्वती, मेरे दुखों के भय से मेरी आप रक्षा करो। क्या करके राधिका राधा कवच सुना, पार्वती बोल रही है राधा कवच सुना दो, इससे मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, मेरी रक्षा हो जाएगी। शिव जी सुनाते हैं, शिववाच श्रुष्वगेजे तोभ्यं कवचं पूर्वसूचितं सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वहत्याहरं परं हरिभक्तिं प्रदं साक्षात् भक्तिमुक्ति प्रसादनं त्रैलोक्यादर्शनं देवी हरिसान्निध्यकारकम्। क्या बोल रहे हैं शिव जी, हे गिरिराज कुमारी, शुष्व गिरिजे गिरिजे तुभ्यं तुम्हें मैं सुनाता हूं, ये प्राचीन कवच जो बहुत पवित्र है और संपूर्ण पापों को हरने वाला है। अब हम इसके ऊपर ज्यादा टीका नहीं करेंगे। तो शिव जी के द्वारा रचित अनेक कवच अनेक स्तोत्र है राधा रानी के संबंध में, अनेक कवच अनेक स्तोत्र हैं, और जिसके द्वारा राधा रानी का मैं गुणगान कर रहे हैं, राधा रानी के भजन के लिए को कह रहे हैं मैं अधिकारी नहीं हूं, हम नहीं कह रहे, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं अधिकारी नहीं हूं राधा रानी के भजन का। फिर प्रबोधन सरस्वती क्या कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुखेर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामि। ये कह रहे हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा श्लोक, ध्यान दीजिएगा तभी रिलीज करेंगे। अब आप स्वादन करिए, ब्रह्मा जी शिव जी सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि भीष्म इत्यादि ये महाभागवत परम शुद्ध भक्त हैं सब। ये कह रहे हैं यदि जिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में समर्थ नहीं है, ये सब लोग भगवान कृष्ण करने के दर्शन करने में समर्थ नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को वशीकरण कर देती है राधा रानी, वो राधा रानी के चरणों की रज को मैं सदा स्मरण करता हूं, ये राधा रानी के चरणों की रज की महिमा है। ऐसे बहुत 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 श्लोक हैं जिसमें शिव जी अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं राधा रानी के श्री चरणों में भिन्न भिन्न प्रकार से। अच्छा शिव जी बार बार क्या बोल रहे हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हर पंक्ति में क्या, हर स्तोत्र में कब मुझ पे कृपा करोगे, कदा करिष्य कब कदा कृपा कटाक्ष, वो कृपा मांग रहे हैं और हमारे तो कृपा हुई पड़ी है और हमें पता ही नहीं है। जैसे मान लो इतनी मेहनत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो कि मेरे को 50,000 महीना आपकी जो फ्री में रोज आपके हर महीने आपके अकाउंट में आता है 5 करोड़ रुपए, वो पता ही नहीं है, 50,000 की नौकरी के लिए जा रहे हैं। शिव जी कह रहे कल मेरे पे कृपा होगी, यहां कृपा ऑलरेडी हो चुकी है, वो पता ही नहीं है। यही तो व्यास पूजा में हम आपको बताने आए कि वो हमें पता चल जाए कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमें राधा रानी के भजन का अधिकार मिल गया है,
हमें वो राधा रानी की करुणा मिल गई है, मूर्त स्वरूप जो उनकी सेवा और धाम में करती है, वो मूर्त स्वरूप को यहाँ पे हमारे को सिखा रहे हैं कि उनकी तरफ तुम भी कैसे सेवा कर सकते हो राधा रानी की भगवान के धाम में। और राधा रानी की मूर्त करुणा ही कुंडदेव के रूप में है। अभिनदे अभिन प्राण वही उनकी प्रिय सखी सेविका हमारे समक्ष साकार रूप से गुरु रूप से हमें सिखाने के लिए किस प्रकार से जैसे मैं सेवा करती हूं तुम भी सेवा कर सकते हो राधा रानी। गौड़िया समाज में आना, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जुड़ना, ये निकुंजेश, ये कोई द्रवे दीन दयाल राघव की कृपा नहीं है कि राघव द्रवित हो गए, नारायण द्रवित हो गए, ना, ये तो वृंदावनेश्वरी द्रवित हुई है, निकुंजेश्वरी द्रवित हुई है, ये साक्षात जो निकुंज की ईश्वरी है ना वो द्रवित हुई है, तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। मजार किसी की को यहाँ पे पहुंच जाए, शेष जी कह रहे हैं कब कृपा करोगी, हम रोज भोग लगा रहे हैं सखियों मंजरियों को, हमें पता ही नहीं है हमको क्या मिला, हमें पता ही नहीं है क्या हुआ हमारे से। अरब पति के पिताजी हो आप यहाँ सबके सब, अरबों अरबों पति के, और कटोरा ले सबसे भीख मांग रहे मम्मी पापा पत्नी, नाराज है तुम भगवान की करुणा तुम्हारे पे, तुम दूसरे के नाराज की पीछे पड़े हुए, तुमको पता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, इतनी बड़ी घटना हुई है, तुम अपनी पूर्वपटन दुर्घटना है सोच रहे, ये जो आपके घटना हुई है ना ये अरबों सालों में भी किसी के साथ नहीं होती है, ये विशेष कलयुग है। आपको राधा भजन नहीं मिला, भजन का पिताजी मिला है, राज भजन राजमार्ग, इससे श्रेष्ठ कोई भजन नहीं है। यहां से समझ लो थोड़ा, वृंदावन महिमा में अध्याय एक श्लोक आठ स्टार्टिंग में ही है, क्या है देखो, ये जो जगत है सब स्वर्ग लोग ब्रह्मलोक इत्यादि, इसके ऊपर है ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म, इसके ऊपर है वैकुंठ, फिर क्या बोल रहे हैं, वैकुंठ से ऊपर है द्वारका, द्वारका से ऊपर है जन्मभूमि मथुरा, मथुरा से ऊपर है वृंदावन, और वृंदावन से ऊपर है गोपियों की क्रीड़ा भूमि, गोपियों की क्रीड़ा भूमि। यहां पर इन्होंने श्लोक बंद कर दिया जैसे खत्म हो गया, गोपियों की क्रीड़ा भूमि तो है पर निवृत्त निकुंज क्या है, तो कुछ और है इसके। तो भगवान राधा रानी श्री कृष्ण इतने कृपा में हुए हैं, देखो ये बता रहे इसके ऊपर है, आप समझ देखो समाधि चित्तों के सुनो हमारी बात तो समझ आएगी, भ्रम से ऊपर वैकुंठ, द्वारका मथुरा, वृंदावन, वृंदावन में सखा, सखा इत्यादि के अलावा गोपी, गोपी वृंदावन, उससे श्रेष्ठ निवृत्त निकुंज जहां पर केवल शिशि श्यामा श्याम और आप होते हो, बताओ इससे बड़ी कोई कृपा होगी, इससे बड़ी कृपा जहां लक्ष्मी भी नहीं हो, लक्ष्मी तो छोड़ो क्या क्या हम बातें निकल जाती है मुख से, जहां लय दम शब्द भी नहीं होती है वहां पे हम है, इससे बड़ी भी कोई कृपा हो सकती है। दास्य वात्सल्य भाव आदि ना हो गोचर, मतलब दास्य वात्सल्य भक्त आदि को तो गोचर नहीं होती, और यहां आयाम ये कलयुग के मैले कुचैले कामी क्रोधी लोभी ईर्ष्यालु झगड़ालु हर प्रकार के आलू सब, मतलब सब चीजें, और उसके बावजूद भी इतनी कृपा हो गई कि हमारे को राधा रानी के प्रिय सखी का संग मिल गया, उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त हुई, तो इससे ऊपर क्या हो सकता है। इसमें भी समझो राधा कृष्ण की उपासना अन्य संप्रदायों में भी है पर वो परकीय भाव की नहीं है, राधा कृष्ण की उपासना अन्य संप्रदायों में परकीय भाव की नहीं है, वो वहां परकीय नहीं है, वो क्या है अविवाहित है पर परकीय नहीं है, वो बस है जो परकीय रस परकीय भाव हो रस उल्लास, परकीय भाव में रस का अनंत उल्लास होता है। तो आप सोचो जो राधा कृष्ण की जो लीला है
वो दर्शन का अधिकार, राधा कृष्ण की लीला का दर्शन का अधिकार राधा रानी के माता, राधा रानी कृष्ण भगवान के माता पिता को नहीं है, उनको सखाओं को नहीं है, उनके मित्रों को भी नहीं है। राधा कृष्ण की लीला को दर्शन का अधिकार, वो परकीय भाव की लीला समझने की कोशिश करो। राधा कृष्ण जो है ब्रज में परकीय भाव में एक दूसरे से मिलन करते हैं। परकीय भाव मतलब राधा रानी विवाहित है और श्री कृष्ण जो है अविवाहित है, वो छुप के मिलन करते हैं। जब उनके सखा माता पिता को उनके दर्शन नहीं होते, उस निमित्त निकुंज स्थान में जहां ब्रह्मा शिव लक्ष्मी उनके माता पिता सखा गो लक्ष्मी ललिता शाखाओं जहां पर दर्शन नहीं होते, वहां आपको बचा रहे। एक बार सोचो तो सही, परकीय भाव क्या है? परकीय भाव है वह अत्यंत निगूढ़ स्थान जहां ब्रजवासियों का भी प्रवेश नहीं है, उस स्थान पे पहुंचाने की भगवान की जो प्रयत्नशील भगवान की करुणा का रूप जो है, मूर्त स्वरूप है, वो गुरुदेव कहां पहुंचाने का? वो परकीय भाव के सबसे निगूढ़तम स्थान पे जहां पे लक्ष्मी ललिता विशाखा यशोदा नंद मधुमंगल कोई का प्रवेश नहीं है, वहां प्रवेश करवाने के लिए भगवान प्रयत्नशील है। कैसे पता चलेगा प्रयत्नशील है? वो प्रयत्नशील भगवान की करुणा भगवान एक रूप ले लिया है, वो जो रूप है वही गुरुदेव है। कहां पहुंचाने के लिए? कहां से कहां? यहां से वहां। प्रयत्नशील भगवान की करुणा तो नारायण के जो भगवान के भक्त हैं गुरु हैं उन्होंने भी होती है, वो भी प्रयत्नशील भगवान की करुणा है, पर कहां पहुंचाने के लिए? वैकुंठ तक। और अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाल जीते, अनंत कोटि विष्णु लोक वैकुंठ होगी उनको तो भर देती है राधा रानी लक्ष्मी को। सब करते ना दिवाली पूजन करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मेटे तन का, ये लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और हमारी राधा रानी क्या करती है? वो लक्ष्मी को तो भर देती है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म चार चिते, ऐसी लक्ष्मियों को तो राधा रानी वर देती हैं। लक्ष्मी जी यहां पे वृंदावन महिमा अमृत में वर्णन है ना आशादस्य, इस प्रकार से श्लोक है, लक्ष्मी जी तो आशा भी नहीं कर सकती राधा रानी की सेवा करने की। जो वो आशा नहीं कर सकती वो इस समय कर रही हो दीक्षा जब यदि आपको प्राप्त है। लक्ष्मी जो आशा नहीं कर सकती वो आप इस समय कर रहे हो यदि आपको दीक्षा प्राप्त है। कैसे? तुलसी आरती करते हो? हाँ। ए निवेदन धरो सखी अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी, ए निवेदन धरो, निवेदन किया सखी अनुगत करो। आपको पता नहीं चला दीक्षा होगा अनुगत खो चुके हो भाई, राधा प्रिया धीमहि के अनुगत तो आपको समझ हमारो कल समझ आएगा हम किसके अनुगत हैं। आपने जो निवेदन जैसे हरे कृष्ण महामंत्र ने कितनी संस्थाएं भी कर दिया, उनको पता है राधा प्रिया धीमहि क्या होता है, परकीय भाव क्या होता है, राधा कुछ नहीं पता। अपना फॉर्चून देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने में भी कहां पे पहुंचे, जो दिल्ली में कितने लोग होंगे, अब यह कमरे में कितने लोग हैं, कमरे में कितने लोग हैं, ये भी भाग्यशाली है, कोई उड़ीसा से आए हो, कोई कलकत्ता से आ गए, पता क्या हुआ आपके साथ? आपको आप सोच भी नहीं सकते, आज सोच सोच के थक जाओगे तब भी नहीं सोच पाओगे कि आप कहां पे आपको क्या प्राप्त हुआ, कि वो प्राप्त हुआ, वो तो नेपाल से आ गए, कहां पहुंचा गणेश? हाँ अब बताओ, सखियों के साथ बैठे हुए पता है आपको, समझ ही नहीं आएंगी चीजें अभी। चलो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जैसे जैसे शिवजी जो खुद हैं, शिवजी खुद कितनी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को राधा रानी कृपा प्राप्त हो, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। अब देखो पुराणों में इतने आप स्तोत्र पाठ पढ़ोगे शिवजी के द्वारा
जो राधा रानी की कृपा चाहते हैं, अनंत आप पाठ पढ़ोगे। और शिव जी की जो भी अगर शिव जी की उपासना करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको उनको कुछ नहीं मिलता, उनके ऊपर भी कृपा होती है जो शिव जी की उपासना करते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहा है कि क्या कृपा होती है उनके ऊपर। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जन्म त्रयम तम आराध्य च आशुतोष प्रसन्नः च आशुतोष प्रसादतः हरि भक्तिम लभेत ध्रुवम। जन्म त्रयम, तो तीन जन्म अक्षर शिव जी की भक्ति करता है उसको, उसके ऊपर आशुतोष शिव जी प्रसादतः, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें कृपा करते हैं। कृपा करके क्या करते हैं? हरि भक्ति लभेत ध्रुवम, निश्चित रूप से हरि की, भगवान की भक्ति दे देते हैं। और जो ग्वालियर अशोक प्राप्त है, भगवान जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो गई। थोड़ा समझ आया? थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? बता। देखो, जब शिव जी की तीन जन्म भक्ति की जाती है तो शिव जी उन्हें हरि भक्ति, भगवान कृष्ण की मानव भक्ति देते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति देते, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस किसी ने पहले शिव जी की उपासना करी है और वो हरे कृष्णा में प्रॉपरली सही जगह पे जुड़ गया है, तो शिव जी की कृपा से ही आप सही जगह पे जुड़े, शिव जी कृपा हो गई आपके ऊपर, बस शिव जी भक्ति करे जा रहे कर। अंतिम फल क्या है? अंतिम फल है क्या? भगवान कृष्ण की भक्ति में आ जाओ, यही फल है, दूसरा फल नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण की भक्ति में आ गए और हमारी गोड़े वैष्णो की उपासना, श्री कृष्ण जिसकी भक्ति, जिनकी भक्ति करते हैं राधा रानी की, उनकी भक्ति में आप आ गए। समझ सकते हो? समझ लो। आज जो आप सुन रहे हो ना, आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, आप सुन भी क्या रहे हो? ये तो उल्लास का विषय है, ये तो हर्ष का विषय है। जिसको पता चल गया वो पागल की तरह चिल्लाएगा, देखो पता मेरे को क्या मिला, पता क्या मिला मेरे को। जिसको पता है वो बोल सकता है, जिसको नहीं पता उसको देखो, उसके पास ये है। हमारी शक्ल को देखो, लग नहीं रहा लॉटरी लगी पड़ी हुई यार समय की। अपनी शक्ल में भी देखो सेम होना चाहिए, यदि गुरुवत प्राण है तो। जब गुरुचंद बोलते हैं गौड़िया समाज में तो यही समझ है कि राधा रानी की साक्षात बोल रही है। कैसे? श्रीमतीर समास बे देह भेद मात, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र। श्रीमती समास बे, केवल देह का भेद है, बोल तो रहे देह का भेद है, वो कैसे बोले? देह भेद मात्र, जो सखी और राधा रानी में केवल देह का भेद है, एक प्राण और एक आत्मा है। तो जब राधा रानी ने बोला या उनकी सखी ने बोला, एक ही बात है। वैसे तो राधा रानी कोई सखी नहीं बनी है, ये दूसरी बात है। समझ सको तो समझ लो। कौन है? भगवान को भी अपने प्रयास से समझ सकता है कि भगवान कौन है? मैं समझ लूंगा अपनी बुद्धि के प्रयास से। पहले बोलते हैं, you've got mind, you've got intelligence, why don't you use it and understand the transcendence? Well, you can't. Why? Because आप नहीं समझ सकते अध्यात्म। कैसे? ये रामायण बता, रामचरित मानस है। सही जाने जेही देहु जनाई, वो उनको वही जान सकता है जिनको वो जनाना चाहे। भगवान को जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला था प्रवचन की हमारी बात, ना तत्र चक्षु गच्छति ना वाक गच्छति ना मनः, उस परमात्मा तक, भगवान तक ना आंखें जाती हैं, ना वाणी जाती है, ना मन जाता है। तो हम भगवान को कैसे समझना चाहते हैं? आंखों से, मन से, वाणी से? वो तो जाता ही नहीं है वहां पे। भैया ऐसे मान लो खाना खाना चाहते हो, कैसे खाओगे? मुंह का। हम बोले कि मुंह जो हम आपको देना था मुंह से नहीं खाते, खा ही नहीं सकते। सीधी सी बात है ना, बिना से इंजेक्शन लगा के खड़े दे सकते हैं, मुंह से नहीं खा सकते। वही बात है कि भगवान तक ना चक्षु गच्छति न वाक न मनः, फिर कैसे जान सकते हो भगवान को? सही जाने जेही देहु जनाई, भगवान जिसको अपने को जनाना था वही भगवान को जान सकता है। अब कैसे पता चला कि भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें जान सके? कैसे? कि भगवान चाहते हैं कि हम, इसलिए भगवान की जो करुणा है
करुणा क्या है कि भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें जान सके, उनको पा सके, उनका दर्शन कर सके, उनके साथ रहे हमेशा। यही करुणा करने के लिए भगवान एक रूप लेके, साकार रूप लेके गुरु रूप में आ रहे हैं। वही आ रही है। मानव कभी गुरु नहीं हो सकता कोई, और गुरु कभी मानव नहीं हो सकता। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करे कखन। चैतन्य चरितामृत इत्यादि का बताया गया, गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्रेर प्रमाण। गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्रेर प्रमाण। गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गण। गुरु रूपे कृष्ण, गुरु रूप से कृष्ण ही कृपा करते हैं। भाई भगवान कृपा करना चाहते तो डायरेक्ट ही है कृपा, पर वो एक रूप के द्वारा करते हैं। वो जो रूप है वही गुरुदेव है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्तगण। जो सुबह सुबह आरती करते हैं सभी हमारे यहाँ गौड़ीय वैष्णव, महिमाए गुरु कृष्ण एक कौरी जानी। एक है महिमा गुरु कृष्ण की। व्यक्ति एक है तो महिमा दो थोड़ा होंगी। एक बात है, एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है मिस्टर शर्मा, अतुल शर्मा जी। वो पैंट पहन के आ रहे हैं तो अलग रूप जाएंगे, और कुर्ता पजामा पहनेंगे तो अलग रूप जाएंगे, नहीं ना। तो वही भगवान अपने धाम में जब लीला विलासी हैं तो रसिक शेखर है, श्रृंगार की रसराज मूर्ति है, पर वही गुरु रूप में आते, व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति थोड़ा बदल गए। गुरु गोविंद ने भेद कराई, गुरु गोविंद ने भेद नहीं करना चाहिए, गुरु गोविंद ने भेद कराई। शिव जी भी यही, भगवान श्री कृष्ण भी यही बात बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, मर्त्यो बुद्धिर आचार्य मां बिजानिया। श्री कृष्ण भागवत में बोल रहे हैं आचार्य मैं ही हूं, मैं ही आचार्य हूं। मेरे समान जानने के लिए नहीं बोल रहे, कह रहे मैं ही हूं आचार्य मां, मेरे समान नहीं है। बोलो गुरु भगवान के समान है। क्यों समान क्या होता है, मतलब ये बुक उसके समान है, ये मोबाइल उसके समान है, नहीं नहीं, ये वही वाले वही है। आपको हम ये पढ़ के बताएंगे कुछ चीजें, चलिए दो तीन चीजें साथ में समझी। ब्रह्म वैवत पुराण से आपको बता रहे हैं, पितु शतगुणा माता गौरवेन अतिरिच्यते। पिता से 100 गुना ज्यादा माता पूजनीय है, ये ब्रह्म वैवत पुराण बता रही है। उन्हें डाउट होता है कौन ज्यादा पूजनीय है माता पिता में, माँ कोई तो डाउट ही नहीं है। अब पुरुष ईगो को में थोड़ा धक्का लग रहा होगा तो पुरुष दे जा रही है, पूछो हाँ बिल्कुल, शास्त्र बोल रहे हैं, एक जगह नहीं दो जगह बोल रहे हैं, दूसरी जगह भी सुना है, दूसरी जगह सुना। पितु शतगुणा माता गौरवेन अतिरिच्यते, ये प्रथम जगह, अगली जगह भी है, तेभ्यः शतगुणं पूज्यो अभीष्ट देवः। पिता से 100 गुना पूछे कौन है, माता। आगे क्या बोल रहे हैं, तेभ्यः शतगुणं पूज्यो अभीष्ट देवः। माता से भी 100 गुना पूछे कौन है, अभीष्ट देव आपके भगवान श्यामा श्याम राधा कृष्ण, वो माता से भी 100 गुना पूजनीय है। इसकी अगली पंक्ति है, ज्ञान विद्या मंत्रदाता अभीष्ट देवात परो गुरु। जो ज्ञान विद्या देते हैं, मंत्र दान करते हैं, वो अभीष्ट देव से भी 100 गुना ज्यादा पूज्य है। समझ आएगा, पिता से 100 गुना पूज्य माता, माता से 100 गुना पूज्य भगवान, भगवान से 100 गुना पूज्य गुरु। ये ब्रह्म वैवत पुराण का वचन है। यहां पे एक और व्याख्यान आया है, ना कुर्यान नर बुद्धिम च गुरौ, ना कुर्यान नर बुद्धिम च गुरौ। ये स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अपने पिताजी से।
नंद बाबा से धर्म की बात बता रहे हैं पिताजी को, और ये सब बातें ना कुर्या नर बुद्धिम च गुरो कृत्वा च नर बुद्धिम च ब्रह्म हत्याम लभे ध्रुवम। जो गुरु के समझते तो मनुष्य हैं, भक्ति तो है ना भाई, थोड़ा ज्ञान ज्यादा है, थोड़ा भजन ज्यादा है, थोड़े पुराने हैं भाई, हैं तो भक्ति ना। ये भक्त मानते ही बाबा जी महाराज हैं, फिर आपको समझिए 15 नंबर पेज है, 17 नंबर पेज है, देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। बाबा जी कह रहे हैं कि उन्हें केवल भक्त तत्व ना मानने नहीं मानना चाहिए, अपने आराध्य जैसे अभिन्न मानना चाहिए। वो तो कह रहे हैं अभिन्न मानना चाहिए, यहाँ पे ब्रह्म या प्राण क्या बोल रही है, अभिष्ट से भी 100 गुना ज्यादा मानना चाहिए। रामचरितमानस क्या बोलती है, राम से अधिक राम कर दासा। तो जब कहां कहां से आपको सब चीजें पता चल रही है, श्रीमद भागवतम रामचरित मानस ब्रह्म वैवत पुराण कथन कर्म पुराण, कहां कहां से राम से अधिक राम कर दासा, अधिक बोल सकते हैं गुरु को समा, क्योंकि हैं तो भक्त नहीं है, वो भगवान से अधिक है। तो बहुत कम बोल लो तो गुरु कृष्ण महिमा है, गुरु कृष्ण एक कोरी जाने, सबसे कम करके बोले तो महिमा है गुरु कृष्ण एक कोरी जाने, सबसे कम करके। सुबह सुबह 4 बजे सभी करते हैं ना गौड़िया वैष्णव, क्या है ये आरती, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हारी भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धारी। जीवेर निस्तार लागी, जीवों का निस्तार कल्याण करने के लिए नंद सुत, नंद कौन है, नंद बाबा उनके बेटे कृष्ण, नंद सुत हरि, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हारी भुवने प्रकाश होना गुरु रूप धारी। इस भुवन में प्रकाशित होते हैं श्री कृष्ण ही कल्याण करने के लिए सबका गुरु रूप, वही ठाकुर प्रकाशित होते हैं। महिमाए गुरु कृष्ण एक कौरी जाना, गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखाना। जो मंत्र प्राप्त हुए हैं जैसे दीक्षा हुई है, थोड़ा सा हम बताएंगे, ज्यादा बोलेंगे तो फिर हर चीज में हमारे को फिर 1-2 घंटे का समय लग जाएगा, तो अब 1-2 घंटे समय लेंगे तो हम 12 बजे तक यहीं पे ही रहेंगे, वो भी कुछ कुछ चीजें पढ़ूंगी, तो थोड़ा सा समझ लो। गुरुदेवाय विद्महे है, मंत्र करते हैं सब, गुरुदेवाय विद्महे, विद्महे क्या होता है, मैं जानता हूं, क्या जानते हो, साक्षात कृष्ण ही है विद्महे, मैं जानता हूं वही है विद्महे का मतलब, मैं जानता हूं अच्छे से जानता हूं, क्या जानते हो, वही है। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा मनुष्य बुद्धि नर बुद्धि होगी, ये तो बीमार होते हैं। बाबा भी गुरु थे, हाँ गुरु थे, टांगों खराब प्रॉब्लम थी, हाँ थी, आंखों की प्रॉब्लम थी, हाँ थी, पेट साफ होने की प्रॉब्लम थी, हाँ बिल्कुल थी, चलने की प्रॉब्लम थी, हाँ थी। तो गुरु के दर्शन से खाना पीना चलने सोने के अनुसार नहीं करे जाते, ये तो देह के धर्म है। गुरु के दर्शन सच्चिदानंद बुद्धि से पारमार्थिक दृष्टि से किए जाते हैं, शास्त्र दृष्टि से किए जाते हैं। यदि शास्त्र दृष्टि से दर्शन ना करो, चरणामृत क्या है, पानी, पानी है तो चरणामृत में जल बुद्धि करता है और नारकी मति उसका नर्क में वास होता है। यदि कोई चरणामृत में जल बुद्धि करे या गुरु में मनुष्य बुद्धि करे, वो दोनों का नर्क में सेम वास होता है, इकट्ठे मिलते हैं। कैसे दर्शन करते हैं हम चरणामृत का, पारमार्थिक दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से, कि भगवान के चरणों का अमृत है, और क्या दर्शन करोगे, ये तो जल है। तो क्या समझ आया, जब भगवान के भीतर में लोक मंगल का संकल्प होता है, क्या मतलब लोक मंगल, ये लोक है पृथ्वी लोक, इसका मंगल करना है भगवान ने, संकल्प आ गया भगवान के मन में, मौज है भगवान की, आ गया मन में मौज, जैसे हमारे मन में मौज भी होता है, हम गाड़ी में वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मौज यही कर रहे हैं,
भगवान का मन संकल्प आ गया, लोग मंगल करते हैं, क्या करें, चलो गुरु रूप बन के आ जाते हैं, इन सब का कल्याण कर, चलो चलो आ जाओ, ये अपनी प्राइवेट शिप है वहीं पे जा रही है, ये पार करके जा रही है, ये है लोक मंगल का संकल्प। यदि भगवान के मन में लोक मंगल का संकल्प ना हो तो अनादर बहिर्मुख जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, वो अनादर बहिर्मुख का उल्टा करके बैठा हुआ है भगवान को पीट करके, कैसे सीधा होगा? जो संकल्प भगवान के हृदय में जागृत होता है कि मैं सब लोग का मंगल करूं, वो जो संकल्प की मूर्तिमान स्वरूप वो गुरुदेव के रूप में स्वयं होते हैं जो अपनी संकल्प पूर्ति के लिए आते हैं। अब भगवान का संकल्प कोई मनुष्य पूरा करेगा? सोचने की बात है, भगवान का संकल्प तो भगवान ही पूरा कर सकते हैं, और उन्हें लोक मंगल करना तो खुद को ही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। पर जो गुरु रूप से भगवान आते हैं, जैसे बादशाह में अनंत सामर्थ्य होता है, तो जो बादशाह का कार्य करना है उसमें भी अनंत सामर्थ्य होता है, बस कल्याण करने आए हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं। अच्छा, ये गुरु ज्ञान सबको दे रहे हैं, क्या सबको मिल जाएगा ज्ञान? क्या क्या विचार है आपका? ये गुरु ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो ज्ञान सबको प्राप्त हो जाएगा? आया ना, नहीं। ये काम, इसका उत्तर कैसे प्राप्त हो? स्कंद पुराण, चाहिए स्कंद पुराण की ओर चलते हैं। स्कंद पुराण क्या बता रहे हैं? गुरु वक्त्रे स्थितम विद्या, गुरु के मुख श्रीमुख पे विद्या बैठी हुई है, ऐसे जैसे हमारे लार बैठी होती है, गुरु के श्रीमुख पे विद्या बैठी हुई है, क्या सबको प्राप्त होगी? नहीं। गुरु भक्तिया च लभ्यते, गुरु वक्त्रे स्थित विद्या, गुरु भक्ति च लभ्यते, जो गुरु जिनके अंदर गुरु भक्ति होगी उनको यह विद्या प्राप्त होगी। आपको समझाते हैं, थोड़ा समझो। देखो, सबसे पहली बात तो यह है, जब आध्यात्मिक मार्ग में, ये सेंटीमेंट्स का मार्ग नहीं है, सेंटीमेंट्स का मार्ग तो तब के छोड़ चुके हो, ये सेंटीमेंट्स का मार्ग नहीं है। कैसे सबसे पहले सिद्धांत, फिर होगी साधना, फिर होगा प्रेम प्राप्त या भगवान के दर्शन प्राप्त। पहले तो सिद्धांत समझे, सिद्धांत क्या है? कि भगवान करुणा करके गुरु रूप में आए हैं, ये सिद्धांत समझे। तो क्या गुरु रूप में आए तो सबको शिष्यों का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, सिद्धांत समझे। क्यों? क्योंकि कई लोग गुरु भक्ति करेंगे और कई नहीं करेंगे, जो करेंगे गुरु भक्ति उनका कल्याण हो जाएगा। गुरु भक्ति स्थित विद्या, गुरु भक्ति च लभ्यते, जो गुरु की भक्ति के उनको प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। दूसरे तरीके समझाते हैं, जैसे अभी आप गुलाब का फूल है, यहाँ पे बैठा हमने, यहाँ बीच में रख दिया, बढ़िया सुगंधी है, आप देखो अगर सबको सुगंधी आएगी ना, जैसे छोटे से कमरे में हो तो सबको आएगी ना सुगंधी। पर ये अध्यात्म विद्या ऐसी नहीं है कि हाँ गुरु ने बोल दिया सबको समझ आ जाए, ऐसा नहीं है। इसको कैसे समझे? इसको एक और महाभारत के श्लोक से समझते हैं, धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां, जो धर्म का तत्व है, रस का तत्व है, प्रेम का तत्व कहाँ है? वो महात्मा जो है हृदय में, इधर हृदय के भीतर के सबसे कक्ष में रहता है। अच्छा, क्या वो नहीं देना चाहते? वो तो चिल्ला चिल्ला के देना चाहते हैं, वो तो उनका बच्चा तो हृदय निकाल के ले लो, वो तो करुणामय है, वो तो देना चाहते हैं, पर हमारी कुछ तो रिसेप्टिविटी हो। गुरु भक्तिया च लभ्यते, जो गुरु की भक्ति में संलग्न है उनको प्राप्त होता है। अंश कला वाला कितना कुछ बताए, क्या करें, एक्चुअली इतना कुछ है, अब बहुत कुछ नहीं बताया जाएगा, समय एक घंटा तो वैसे ही हो गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु। गुरु ही ब्रह्मा है, हमारे अंदर सृजन करते हैं सही ज्ञान का, वही विष्णु है सही ज्ञान को, एक्चुअली गुरु इज द बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो सब कुछ होल्ड करते हैं हमारा। गुरु विष्णु, गुरुदेव सारे अनर्थों का, हमारे ज्ञान का नाश, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म,
साक्षात परब्रह्म भगवान वही गुरुदेव हैं, प्रकट परब्रह्म श्री गुरुदेव रूप में हमारे समक्ष हैं। तो वो कभी गुरु में मनुष्य ज्ञान नहीं करना चाहिए, शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह हैं। गुरु का देह कभी अपवित्र नहीं होता, कभी सच्चिदानंद कभी अपवित्र होता है? अपवित्र होता है क्या? जितने भी तीर्थ हैं, स्कंद पुराण में वर्णन आया है, जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों का जितने सात समुद्र के पार जितने चरण जितने भी तीर्थ सबका अगर स्नान इत्यादि भी कर दो, तो जो गुरुदेव का चरणामृत है, चरण से निकला हुआ एक जल का कण है, वो सारे तीर्थों के मुकाबले जो एक बूंद है चरणामृत गुरुदेव की, वो हजारवा अंश भी नहीं हो सकता सारे तीर्थों में स्नान करने का। सदगुरु मिले अनंत फल, कह कबीर विचार। इस स्तर पे पवित्रता सच्चिदानंद में रूप में हमें अपने गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए। अंश कला के रूप में भी नहीं कि भगवान का कोई अंश अवतार है, कला अवतार है, जैसे मत्स्य अवतार किया, नहीं नहीं नहीं, साक्षात गुरुदेव है, वेद में है, मैं जानता हूं, साक्षात श्री कृष्ण इस रूप में है। सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश चरणाम्बुजम, ये शिव जी फिर से पार्वती जी को बता रहे हैं कि सर्व तीर्थमयम देवी, हे देवी सारे तीर्थों का मूर्तमान स्वरूप समझ लीजिए, श्री गुरुदेव के चरणारविंद में। तो वही परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा एक देह का माध्यम बना के सबका कल्याण करने के लिए आया है। तो शिष्य की जो मूल संपत्ति और एकमात्र संपत्ति है वो कौन है? उसके उसके गुरुदेव हैं, और वो गुरु की रक्षा करना उसकी नंबर वन प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की रक्षा कर सके। अच्छा, गुरु के समक्ष में एक और बात है, आत्मा गुरु, गुरु और शरीर अपि गुरु। जैसे मनुष्य जो सामान्य मनुष्य होता है, आत्मा अलग है और देह अलग है, यहां ऐसा नहीं है। आत्मा गुरु, गुरु शरीर अपि गुरु, शरीर भी गुरु है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद में है। जो गुरुजन होते हैं वो सर शरीर भगवान के धाम में जाते हैं, जैसे छाया सीता थी और असली सीता थी। तो जो गुरु देवता हम देह देखते हैं, तो जलाया था, तुम कह रहे हो सच्चिदानंद है, इनको तो हमारे आनंद बाबा जी को हमने देखा, वो तो हमने देह जलाया था, हमने खुद देखा था, हाँ वो तुम्हारे देखने के लिए था। और वो सच्चिदानंद में उसी देह से, जो आप देख रहे थे उसी देह से भगवत धाम जाते हैं। हम थोड़ा बताएंगे, वही बात है, हम हर लाइन को बोलेंगे एक एक घंटा एक लाइन को बता, पर ये बताएंगे आपको बीच में फिर से कभी। स शरीर, इसलिए बताया जा रहा है शास्त्रों में, आत्मा गुरु, गुरु शरीर अपि गुरु। तो गुरुदेव के शरीर का रक्षा करना शिष्य की नंबर वन सबसे बड़ी कर्तव्य, ड्यूटी, प्रायोरिटी, जैसे मर्जी समझ, रक्षा करना, ये शास्त्रों में वर्णन आया है। गुरु कायम रक्षयेत, शिष्य का प्रधान धर्म क्या है? गुरु कायम रक्षा है, गुरु की काया की रक्षा करें, काया मतलब शरीर। क्यों? क्योंकि जब तक पृथ्वी में विराजमान रहेंगे तो उनके सानिध्य का हमें लाभ प्राप्त होगा, उनके संग का हम जैसे वो कितनों को लाभ प्राप्त होगा, उनके वचनामृत का हमें लाभ प्राप्त होगा, उनके सेवामृत का हमें लाभ प्राप्त होगा, उनके चरणामृत का हमें लाभ प्राप्त होगा। हर प्रकार से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, इसलिए शिष्य के लिए गुरु कायम रक्षेत, शिष्य का प्रधान धर्म क्या है? गुरु की काया की रक्षा करना। और इसके लिए यदि जान की बाजी भी अगर किसी को लगानी पड़ जाए तो बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता सौदा है। यदि जान की बाजी भी गुरु की देह की रक्षा में लगानी पड़ जाए, इसका जो उदाहरण है आपको हम बताते हैं, ये है निषाद राज का, रामायण में चलिए क्या हुआ। जब 14 साल का वनवास हो गया तो राम सीता लक्ष्मण इसे वन में रह रहे, तो जो भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, वो तो भगवान राम से अगाध स्नेह, अगाध प्रेम करते थे,
तो ये निवेदन करने के लिए वो जंगल में आने लगे कि हे भगवान राम आप चलो वापिस राज्य स्वीकार करो। और उनके साथ उनकी माता भी आ रही थी, और जब माता आ रही है तो भी सैनिक बल भी आएगा। तो कहा जाता है चतुर्गुण सेना रक्षा के लिए चल रही थी, बहुत बड़ी सेना भी चल रही थी रक्षा के लिए। तो जो निषाद राज है वो भगवान राम के परम भक्त हैं, उनको सूचना मिली तो उनके मन में संदेह आ गया यदि ये भगवान राम के दर्शन के लिए आना चाहते तो अकेले आते। भैया भगवान आप जैसे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हो तो सेना लेके जाते हो क्या? सोचो आप गुरुदेव कहीं बैठे को कोई आ गया व्यक्ति सेना लेके, आप भी हो जाओगे ना? उसके मन में जरूर पक्की गलत बात है, सेना लेके कोई आता है? वही निषाद राज के मन में आ गया, कोई सेना लेके आता है भगवान राम का दर्शन करने? जरूर उनके मन में कुछ है, ये भगवान राम को यही मार के अखंड राज्य स्थापित करना चाहते हैं। निषाद राज के मन में ये आ गया। तो भरत के मन में तो कोई कपट है नहीं, वो तो दर्शन के लिए आ रहे हैं कि भाई वापिस चलो आप। तो निषाद राज भगवान राम को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने कहा देखो जितने भी जो जल था वहां पे जितनी भी नाव है उनको डुबा दो, भरत किसी प्रकार से कोई लाभ ना ले पाए। और ये तो मुझे पता है कि भरत शत्रुघ्न से जीत तो सकते नहीं है, तो मरने को तैयार हैं, परंतु हमारे जीते जी वो भगवान राम तक नहीं पहुंच सकते। ये है कायम रक्षित की एक और परिभाषा, उनको पता है वो मर जाएंगे। भाई भगवान है ना भरत शत्रुघ्न, कोई मनुष्य थोड़ना है, भरत शत्रुघ्न भगवान है, तो वो निश्चित रूप से मर जाएंगे। पता है कि हमें सामर्थ्य नहीं है, हमें छोटे मोटे भारों से थोड़ा रक्षा करेंगे, थोड़ा जीत सकते हैं उनके सामने, परंतु ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि भगवान राम के लिए हम अपने प्राण दे सके, अपना उनके रक्षा के लिए हम अपने प्राण दे सके। तो इस वजह से तैयार हो जाओ, हम अपने प्राण देने के लिए तैयार है, पर निकट नहीं आने देंगे भगवान राम। तो हमें उदाहरण इसलिए दिया कि यह धीरे धीरे किसी ने बताया कि देखो तो सिर्फ मिलने आ रहे हैं कि किस लिए आ रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति भी तो होते हैं ना, समझाते हैं अभी ठंडक रखो, देखो सही क्या बात क्या है, देखो तो सही। हम भी तो आपको कहते हैं स्टॉप, थोड़ा रुको तो सही, सोचो सही किसने बोल दिया, क्या हो गया, छोटी आत्मा हो गया, बड़ी हो गया, किसने तारीफ कर दी, चढ़ जाता ना भूत सवार। तो ये बता रहे हैं कि प्रथम धर्म है गुरु का, शिष्य का, गुरु की काया की रक्षा करना। तो अभी हमने क्या समझा, क्योंकि एक घंटे से ऊपर हो गया है, कहीं भूल ना जाए तो हम रिवाइज कर लें एक बार। भगवान की करुणा जो है मूर्त रूप के इस संसार में आते गुरु रूप से, और सबसे श्रेष्ठ प्रज्ञा भाव पर ऐसे तो हमें श्रेष्ठ ऑलरेडी प्राप्त हो गया जो शिव जी याचना करते हैं, पर क्या वो सबको प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं प्राप्त होता। किसको प्राप्त होता है? जो गुरु भक्ति करते हैं। तो कोई सोचे कि मैं गुरु भक्ति नहीं करता, कोई नहीं मैं अपना भजन वगैरह करता हूँ, तो कोई बात नहीं। तो इसमें थोड़ा ब्रह्म वैवर्त पुराण की यदि बात आपको उचित लगे तो आप देख सकते हैं। तत्पर पाद की ना अस्ति सेवाहीनो गुरोश्च यह, इसका मतलब है ध्यान दें, उससे बड़ा पाप की पतित व्यक्ति पापी व्यक्ति कोई नहीं है जो गुरु की सेवा से हीन है, जो गुरु की सेवा से रहित है उससे बड़ा पापी व्यक्ति कोई नहीं। अगला ये सब आपको हम बातें बता रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की। विद्या अंधो वा धन अंधो, व्यक्ति अंधा कैसे होता है आंखों से नहीं, जब धन भी ज्यादा होता है ना अंधे हो जाते हैं, धन ज्यादा होने पर अंधे हो जाते हैं, जो करना है वो नहीं करते और जो नहीं करना है सब कुछ करते हैं जब धन ज्यादा होता है। किसी के बाद धन अत्यधिक होने के बाद भी उसकी मति भगवान से ना हटे तो समझ लो कि वो सिद्ध पुरुष ही है। धन अत्यधिक हो और मन भगवान से ना हटे तो क्या सिद्ध पुरुष हो सकते? धन अधिक और तुम्हारी भोग बुद्धि ना हो, अच्छा विद्या अंधो व धनांधो वा यो मूढ़ा ना भजेत गुरु,
जो धन के द्वारा अंधा हो गया है, विद्या के द्वारा मेरे को बहुत पता है, I got lot of knowledge, I know shlokas. ब्रह्म हत्या आदि भी हो पापे सलिप्तो ना अत्र संशयः। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है जो विद्या विद्या में मदान हो जाता है, धन में अंधा हो जाता है और गुरु का भजन नहीं करता। देखिए दीक्षा लेना अलग बात है, और यदि गुरु का भजन नहीं करे दीक्षा लेके भी, तो ब्रह्म वैवर्त्यों के अनुसार वो व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उससे बड़ा पात की पतित व्यक्ति कोई नहीं होता। इतनी ये नेक्स्ट बात आप सुनेंगे आपके आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं कोई नहीं, हम तो धाम जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, वो बोल रहे हैं ब्रह्म वैवर्त्यों। इसलिए हम श्लोक आपको लिख के लाने बताने के, तीर्थ स्नान स्नानो अपि ना शुचिर अधिकारी। कह रहे वो तीर्थ स्नान करके भी जो गुरु सेवा से रहित है वो तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं होता, इतना पापी हो जाता। समझ रहे हो, जो गुरु की सेवा से हीन है वो तीर्थों में स्नान करके भी अपवित्र ही रहता है, कि परम तीर्थ तो गुरुदेव है। हमारे को अचानक बात याद आ रही है, श्लोक नहीं है, बात याद है पद्म पुराण की। कृष्ण बोल रहे हैं नंद बाबा को, शिष्य के लिए परम तीर्थ जो है वो से गुरुदेव है। बोल के बताया आपको, इनका शब्द सुना है अचानक, देखते अगर हम वो हमारे पास याद नहीं है होगा क्या नहीं, पर शायद हाँ। ये शिष्यों को गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है, ये पद्म पुराण में होता है। ये हमें लग रहा है कृष्ण है, ये विष्णु बोल रहे, शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। इसलिए तुम जो परम तीर्थ को छोड़ के अलग अलग तीर्थ में स्नान कर लेगा उसके बाद भी वह पवित्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि गुरु में नरबुद्धि कर ली तभी तो गुरु का भजन नहीं कर रहा। नहीं तो साक्षात पता हो जो हमारे उपास्य देव है वही उपासना सिखाने के लिए हमारे समक्ष गुरुदेव के रूप में है, उपास्य देव ही गुरुदेव के रूप में है। ये बात समझ आ जाएगी तो कोई व्यक्ति गुरु सेवा से रहित रह सकता है क्या? हमने प्रथम में क्या बोला था प्रारंभ में, यदि समझ आ जाए गुरु तत्व क्या है तो प्राण मन बिक जाएंगे। रहित रहना तो बड़े बिल्कुल एक्सट्रीम बात है, बिक जाएंगे। क्यों? हमारे उपास्य देव ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है उपासना सिखाने के लिए। नर बुद्धि करते ही सब कुछ शून्य, सब कुछ शून्य, जो किया जो कर रहे हैं जो करेंगे सब शून्य हो जाता है। इसके लिए हमारे को आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात बतानी पड़ेगी। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले एक बार बता चुके हैं, शायद स्मरण नहीं होगा दोबारा बता। साक्षात भगवत इति भगवत अंश बुद्धि भगवत अंश बुद्धिर अपि गुरु गुरौ ना कुर्यात इति। देखो ये संस्कृत आपको सब समझ आएगी, आज संस्कृत को समझो। साक्षात भगवत इति साक्षात भगवान इति भगवत अंश बुद्धिर अपि गुरौ ना कार्योपि। भगवान के जो गुरुजन है, भगवान के भक्त जो गुरुजन है उनमें ये मत सोचो कि भगवान के अंश है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। अंश बुद्धि भी नहीं करो, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि वो अंश भगवान के अंश है, नहीं साक्षात श्री कृष्ण है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। अगली बात क्या बोल रहे हैं, मर्त्य धीह मर्त्य इति दुर्बुद्धि तस्य। बता रहे हैं यदि दुर्बुद्धि हो जाए तो मनुष्य है। ये अगली बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं, सबको ये याद होनी चाहिए। अगर कोई मानता है मनुष्य है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, श्रुतम भगवन मंत्र आदिकम श्रवण मनम आदिकम च व्यर्थम इति अर्थः। समझ आ रहे,
हम धीरे धीरे बोलते हैं श्रोतम, श्रोतम मतलब जो सुनते हैं भगवत कथा, ये सबके साथ एक बार कॉमन बोली जा रही है, व्यर्थम इति अर्थः, ये सब व्यर्थ हो जाता है। क्या क्या व्यर्थ होता है? सुनना मंत्र आदि का, मंत्र का जप करना, जो जो दीक्षा ग्रंथ मंत्र पढ़े वो भी क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। श्रवण मनन आदि कम च, मतलब श्रवण कर ले, मनन कर ले, कुछ भी कर ले, पाठन कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, यज्ञ कर ले, वो सब क्या होता है? जीरो से गुणा हो जाता है। एक बात देखो समझो, शास्त्रों में ये बोला ना हरे नाम है केवलम, हाँ तो ठीक बात है, हरे नाम है वो केवलम, हरि ने हरि के नाम से उद्धार होगा, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये भी तो शास्त्र में बोला, कैसे लेना है वो? तीसरा नाम अपराध गुरु अवज्ञा, नाम अपराध तो है, ये तो बोला कि अपराध रहित होकर नाम लो, गुरु अवज्ञा, गुरु अवज्ञा कैसे होती है? मर्त्य बुद्धि की वजह से, मर्त्य बुद्धि नहीं है तो गुरु अवज्ञा का प्रश्न नहीं उठता। ये शास्त्र जो है इतना विस्तार से अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बताई गई हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं कि वो सारे दुनिया जान के शास्त्रों को पढ़ ले, समझ ले सही रूप से, बोले वो हमारी को कितनी विशेष कृपया, हमारे को सब कुछ एक, सब कुछ सुनने का फल, सब कुछ एक स्थान पे सुनने को मिल भी पा रहा। और जैसे हम बोलते हैं कि भाई गुरु की सेवा करनी चाहिए इत्यादि है, ये बातें बोलने में झिझकते हैं, अब बोलेंगे आप क्यों झिझकते हैं? हम झिझकते हैं कि भाई हम बोलेंगे ये सेवा का तो वो अंधक जो है कहेंगे आप आपकी सेवा कैसे करें, और हम वो व्यक्ति हैं जो 12 से 15 घंटे के कमरे में रहते हैं कम से कम, वो भी रोज एकांत में अकेले, किसी से बात नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं, 12 से 15 घंटे एक कमरे में रोज 365 दिन, अब कोई हमारी सेवा करेगा कैसे? बड़ा कठिन कार्य है, पर फिर भी ठाकुर जी पे हम निर्भर होकर बोल रहे हैं, वो संभालेंगे आप लोगों को। पर फैक्ट यही है कि गुरु बिना गुरु की सेवा किए मंत्र आदि जो है वो शून्य हो जाते हैं, और कभी भी भगवती उन्नति तो छोड़े पातकी होता रहता है व्यक्ति निरंतर। और जो स्कंद पुराण से और कुछ बताया आपको, कहां कहां से सुनोगे? ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण, भागवत, रामचरित मानस, कितनी कृपा है ठाकुर जी की, सब कुछ सुनने को मिल रहा है। यहां बताया गया है नामुक्तास्तु गंधर्वः पितृअस्तु पितृयक्ष अस्तु चारणः ऋष्यः सिद्ध देवाद्यः गुरु सेवा परांग मुखा। जो गुरु की सेवा से विमुख हैं, मतलब उनकी रुचि नहीं है गुरु की सेवा में, तो चाहे वो गंधर्व हो, पितृ हो, यक्ष हो, सिद्ध हो, ऋषि हो, देवता हो, कोई भी हो, यदि गुरु की सेवा से विमुख हैं तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ये स्कंद पुराण में शिवजी बता रहे हैं। हम तो गौड़िया वैष्णव मार्ग में आए हैं, तो हम ये सब, हम तो इसलिए राधा रानी की भक्ति ही करना चाहते हैं स्ट्रेट वे। देखो स्ट्रेट अगर राधा रानी की सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं तो कृपया वो कर्म में ना पधारें, क्योंकि कर्म में तो आपको सब कुछ बताया कैसे भक्ति होती है, ए से लेके जेड तक कैसे जाना है वो भी बताया जाएगा। अब सीधा पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है व्यक्ति जिसको एबीसीडी भी नहीं आती कभी, तो केवल हंसी का पात्र है। बोले किंडरगार्टन में आपका बच्चा जाना चाहता हो, 3 साल का बच्चा, मतलब किंडरगार्टन नहीं जाऊंगा मैं, जाऊंगा पीएचडी। क्या बोला बच्चे? मैं पीएचडी जाऊंगा। बोले पहले केजी जाओ उसके बाद पीएचडी भी जाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता। अब यदि कोई बाबा जी महाराज को गुरु मानता है तो ये श्लोक नंबर है प्रेम भक्ति चंद्रिका वर्स 43, ये लिखा हुआ है कि याद रखना होगा कि साधक अपनी प्रचेष्टा से भी
युगल चरणों में प्रीति रखने में सक्षम नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? साधक अपनी प्रचेष्टा से, एक होती है चेष्टा, चेष्टा होती है मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ राधा कृष्ण के चरण में प्रीति करने की, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसे कहते हैं चेष्टा। बाबा क्या बोल रहे हैं? प्रचेष्टा। प्रचेष्टा मतलब इतनी भयंकर चेष्टा कि मैं दिन में 10-10 घंटे माला कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, प्रचेष्टा कर रहा हूँ। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अपनी प्रचेष्टा से भी युगल चरणों में प्रीति रखने में सक्षम नहीं होगा। अगली पंक्ति में बाबा जी कह रहे हैं ये केवल गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा सापेक्ष वस्तु है, केवल उनकी कृपा से ही युगल चरणों में प्रीति होगी, सीधा नहीं होगी। हम सोचते हैं सीधा मन भगवान में लग जाए, सीधा नहीं होगी। ये गुरु वैष्णव की जिस, देखिए आप खुद पढ़िएगा, ये श्लोक नंबर 43 है, इसके अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, श्री गुरु तथा वैष्णव की मनोमत सेवा के फल स्वरूप जिस परिमाण में कृपा का संचार होगा उसी के अनुरूप मन प्राण युगल में प्रीति रस सिक्त हो उठेंगे। बाबा जी कह रहे हैं ये निष्कार, ये कंक्लूजन है। क्या कह रहे हैं कंक्लूजन बाबा जी? मनोमय सेवा श्री गुरु वैष्णव की होगी, उससे उनके मन में कृपा होगी कि हाँ इनके ऊपर कृपा होगी, उनके मन में आएगा कि हाँ इनपे कृपा होगी। तो जिस मात्रा में मनोमय सेवा करेंगे, जिस मात्रा में कृपा का संचार उनके हृदय में होगा, उस मात्रा में युगल में मन लगेगा साधक का। ये बात हम दो प्रवचन में पहले ही बता चुके हैं। काउंट डाउन क्या होता है वो? कोविड डाउन ऐसा था ना, कोविड का जो था, तो उसमें हम दो बार ही पहले भी ये बात बता चुके हैं। अब इसलिए अब हम साक्षात हैं आप लोग के समक्ष, इसलिए पुनः बता रहे हैं, पहले सिद्धांत, फिर साधना, फिर दर्शन, रस प्राप्ति, दर्शन भगवान के। तो पहले सिद्धांत को समझिए बाबा जी, यदि कोई अनंतदास बाबा जी महाराज को अपना गुरुदेव के रूप में लेता है तो वो बता रहे हैं कि श्री गुरु तथा वैष्णव की मनोमय सेवा के जिस स्तर पे मनोमय सेवा करी, मतलब जिस स्तर पे वो प्रसन्न हुए, तो उनकी प्रसन्नता ही उनकी कृपा है, उनकी जो कृपा होगी उससे हमारा मन युगल में लगेगा। नहीं तो कह रहे हैं बाबा जी अपनी प्रचेष्टा से भी युगल में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये तो होता है श्लोक 43। अब श्लोक 99 पे आ जाओ, 90 देखो हमको सब याद है, 99 श्लोक की पहली लाइन तात्पर्य की देखो, किसी के पास है प्रेम रति चंद्र का, कोई पढ़ना चाहेगा? हम भी देख रहे हैं आपके सामने, कोई है? हम पढ़ देते हैं। बाबा जी कह रहे हैं तात्पर्य में, राग मार्गीय साधन दो प्रकार का है, कितनी बारी सुने हमने, बाह्य अंतर इहार द्वैता साधन। बाबा जी तात्पर्य देखिए कितना सरल लिखा हुआ है, बाह्य साधक जैसे क्या करना है वो बता रहे हैं, श्रवण कीर्तन गुरु वैष्णव की सेवा, ये बाह्य साधन बता रहे हैं। हमने बाह्य साधन ही नहीं किया, क्या आप श्रवण करते हैं नियमित रोज या वीकली? नहीं। कीर्तन करते हैं? नहीं। गुरु वैष्णव सेवा करते हैं? नहीं। अच्छा बाह्य साधन ही नहीं करते हो, और सीधा मन राधा कृष्ण में लग जाए, और मन के भीतर सिद्ध स्वरूप का चिंतन कर राधा माधव की सेवा, ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे हैं? बाबा जी महाराज क्या बोल रहे हैं? बाह्य देह से क्या रखती है सेवा? श्रवण कीर्तन व गुरु वैष्णवों की सेवा। और भीतर होता है अपने सिद्ध स्वरूप का चिंतन, जो कर्म में डिवोटीज हैं वो ये सब करने की कोशिश करते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा करने की कोशिश करते हैं, और साधक जैसे भी करते हैं और भीतर सिद्ध देह का चिंतन भी करते हैं। तो आप लोगों को एक और बात बताऊंगा कि आप लोग कितने फॉर्चुनेट हो गए, अब ना जाने में भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी की बात मान रहे हैं जो उन्होंने बताई है सार्वभौम शतक में, श्लोक नंबर 81 बताया, क्या बताया उन्होंने श्लोक नंबर 81 देखिए, हमारे यहां तो जो भी बात होती है केवल और केवल
शासकीय आधार पे होती है। और यदि कोई शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता जो व्यक्ति, उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्राप्त हो सकता सुख, कौन बताएगा? जो शास्त्र को नहीं मानता उसे सुख क्यों नहीं मिल सकता, कौन बताएगा? यह शास्त्र दिन श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं, 16 अध्याय श्लोक 23, यह शास्त्र दिन उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। ना तो उसे भगवत प्राप्ति होती है, अनंत प्राप्ति, कुछ नहीं होता जो शास्त्र की बात नहीं मानता। अब आगे देखिए श्लोक 81 है, सार्वभौम शतक। श्रृण्वन्ति ये वै गुरु तत्व गाथाम गायन्ति यत्ने हरिनाम मंत्रम अर्चन्ति साधुं गुरुं देवतां च चैतन्य भक्ताः कली काल मध्य। ये आपको बहुत शक्ति देगा यह श्लोक सबको हमेशा हमेशा के लिए। पता है कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। कलयुग में ऐसे लगेगा कि बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, ऐसे लगेगा, पर सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे असली में चैतन्य महाप्रभु के भक्त कौन है, ये श्लोक बता रहा है। लग सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र बहुत लोग जप कर रहे हैं, तो सभी महाप्रभु के भक्त हैं, पर असली में है। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं जो इस कलयुग के अंदर, संस्कृत में सुनिए, श्रृण्वन्ति ये वही गुरु तत्व गाथाम, समझ आ गया मतलब? श्रृण्वन्ति जो सुनता है क्या, गुरु तत्व गाथाम, गुरु तत्व की गाथा। अभी आप क्या सुन रहे हो? गुरु तत्व गाथाम। गायन, ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन, गायन्ति यत्ने हरिनाम मंत्रम, गायन करो किसका, भगवान के नाम का। अभी कितने घंटे से क्या कर रहे थे, भगवान के नाम का मंत्र का गान कर रहे थे। तो दो चीजें आप कर चुके हो ऑलरेडी, गुरु तत्व गाथा सुन रहे हो, हरि के नाम का गान। तीसरी, अर्चन्ति साधुं गुरु देवतां च, गुरुदेव का साधुओं का अर्चन करना, अर्चन करना मतलब उनकी आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना, आज्ञा मानना। तो कर्म में पूरे साल क्या होता है, जो लड्डू पेड़े लाके करते हो कपिल, क्या करते हो, स्क्वैश, स्क्वैश कर रहे हो तो एक लड़का है वो प्रवीण पाई, वो रहता है साउथ इंडिया, पूर्णकंड का ऐसे होते हैं ना, साउथ के नाम, कहाँ रहता है उनका, कर्नाटका रहता है, वो कर्नाटका से काजू बादाम भेजे भक्तों। यहाँ कोई स्क्वैश खा रहा है, क्या हो रहा है, अर्चन हो रहा है किसका, साधु गुरु का। तो तीन चीजें हो रही हैं आपके सामने, श्रृण्वन्ति गुरु तत्व गाथाम, गुरु तत्व गाथा सुन रहे हो, गायन्ति हरिनाम वो कर दिया आपने, और अर्चन्ति साधु गुरु देवता, ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हो, गुरु जी को माला पहना रहे हो, तो गुरु जी भगवान को भी अर्पण हो रहा है, साधु गुरु वैष्णव सबको अर्पण हो रहा है। केवल जो ये तीन चीजें करते हैं वही चैतन्य भक्त है कलिकाल मध्य, कलिकाल के मध्य में केवल वही चैतन्य महाप्रभु के भक्त, जो ये नहीं करते वो भक्ति नहीं है चैतन्य महाप्रभु के। ये सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, इससे बड़ी मतलब कितनी बड़ी बात है। किसने ग्रंथ का नाम भी सुना होगा सार्वभौम शतक, सुना है कभी ना? आपके भाव आपको पता है, एक घंटे में पता नहीं 50 से 100 ग्रंथों के आप सुन भी चुके हो नाम भी, और उसके बारे में भी उनका हमारे से मतलब क्या है डेली जीवन में ये भी समझ चुके हो, कितना भाव है। गुरु पूर्णिमा का मतलब यह कि पता चल जाए कि हमें क्या मिला है। जो ये गुरु तत्व को सही रूप से नहीं जानता तो ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या बोल रही है उनके लिए, गुरु तत्व अविज्ञा है, अविज्ञा मतलब जो जानता नहीं है, विज्ञा मतलब जानने वाला, अविज्ञा मतलब ना जानता, गुरु तत्व अविज्ञा, जो गुरु तत्व को नहीं जानता सर्वम व्यर्थम भवे प्रिय, आगे समझ, सर्वम व्यर्थम भवे प्रिय। शिव जी फिर से पार्वती जी का ही बोल रहे हैं, हे प्रिय, हे पार्वती, जो गुरु तत्व को ढंग से नहीं जानता सर्वम व्यर्थम भवे प्रिय, सब कुछ व्यर्थ होता है, जो जब आज तक किया है जन्मों जन्मों में वो सब व्यर्थ हो गया। गुरु तत्व को नहीं जाना पात की हो गई ना, जब गुरु सेवा में नहीं लगे तो पात की हो गए। आपको हम डिफरेंस बताएं, जैसे मान लो कोई राधा 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 नाम रटता है, अच्छा रटता है, 4 घंटे रटता है, अच्छा रटता है, क्या गुरुदेव ने बोला आपको
नहीं। आप 4 घंटे रहते रहो विशेष फर्क मिलेगा? नहीं। अच्छा गुरुदेव ने बोले बेटा बच्चे 15 मिनट राधा नाम करना, उसका फल देखना क्या मिलेगा। क्यों? गुरु भक्त ने स्थित विद्या, उन्होंने एक बार बोल दिया। ठाकुर जी ने यह नहीं देखना क्या कर रहे हो, ठाकुर जी देखते आप क्यों कर रहे हो, आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो। अब जैसे मेनका है या वासुदेव है, ये लोग कंप्यूटर पे लगे हुए हैं दिन रात, तो ये नहीं बहुत देखे कंप्यूटर कर रहे हैं, वो देख रहे क्यों कर रहे हैं। भाई आप जो काम धंधे वाले हैं टट, वो भी थोड़े कर रहे हैं, उनको क्या बहुत कृपा मिल रही है? नहीं। ये लोग यूट्यूब है, ये अन्नू भी 4 बजे को डायग्राम बना रही है, क्या नाम उसको क्या बोलते हो, इलस्ट्रेशन, वो कोई राइट कोई कोई चैनल पे चढ़ा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं देख रहे क्या कर रहे हो, भगवान देखते हैं क्यों कर रहे हो। कोई व्यक्ति कंप्यूटर कोर्स कर रहा है किस लिए, नौकरी के लिए? नहीं नहीं, सेवा के लिए। अच्छी बात है, आप कोई काम क्यों कर रहे हो ये मैटर करता है, क्या कर रहे हो तो मैटर नहीं करता स्पिरिचुअलिटी में, आप क्यों कर रहे हो। यदि गुरुदेव बोले 15 मिनट राधा नाम कर लो तो वो फल मिलेगा जो 4 घंटे राधा नाम करके नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन मर्जी से कर रहे हैं, वो साधना गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं है। अरे आप देखते हो आज इस संसार में भी देखो, जो रेस्लिंग कुश्ती वाले लोग भी होते हैं वो भी अपने जो उनके भी गुरु होते हैं ना, आप देखो हमेशा क्या करते हैं, ना सांप जो सांप भी सिखाते हैं ना, सांप का जहर कैसे निकालते वो भी गुरुजी। हाँ भाई लौकिक विद्या प्राप्त नहीं होती है, 2 सेकंड की लौकिक विद्या यदि समर्पण ना हो, ये तो सच्चिदानंद विद्या है, ये कैसे प्राप्त हो जाएगी यदि समर्पण ना हो। अरे सांप का विष नहीं निकाल सकते, भीतर विषय का विष कैसे निकालोगे बिना समर्पण के। और इस सप्ताह एक ही है कंक्लूजन, जो भक्त गुरु की सेवा में लगे हैं उनका संग निरंतर होना चाहिए, हफ्ते में एक बार क्लास में जरूर आना चाहिए, इससे सारी बैटरी चार्ज लेंगी, याद रहेगा कि हमको क्या प्राप्त हुआ है। ये तो संसार के लोग कहां पे बसाएंगे, संसार में ले जाएंगे संसारी लोग, और जो संसार के परे के लोग हैं गुरुजन वो कहां ले जाएंगे, तो संसार के परे ले जाएंगे, सीधा सा गणित है भाई, जो जहां का व्यक्ति है वहीं लेके जाएगा ना, जो संसारी व्यक्ति कहां लेके जाएगा, चलो जी KFC चलो बैंगन खाओ टमाटर खाओ, तो यही और क्या करेगा, बैंगन टमाटर का मतलब बर्गर पिज्जा, मतलब हमारी भाषा तो ऐसी है क्या करें, बर्गर पिज्जा खाओ यही होगा और क्या। जो गुरुजन होंगे वो संसार के परे जाए, वो संसार के परे लेके जाए, जो संसार ही है वो संसार में लेके जाए। अब आपने संसार में जाना है तो यहाँ आए क्यों हो फिर, प्रश्न ये है कि इतने ऊंचे सत्संग में जो पृथ्वी पे कहीं नहीं हो रहा आप यहां पे क्यों आए हो, यदि आपको सारा संसार में है। साक्षात श्री कृष्ण सोच एक 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 बार तो मनन में जाकर मनन करो तो सही, भगवान करुणा करके आपको, चलो यहां से पढ़ाते हैं श्लोक नंबर हाँ ये 6 नंबर प्रेम भक्ति चंद्रिका। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें, एक भक्त को कह रहे हैं गोप कुमार को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जन्म ग्रहण करवाया और मैं स्वयं जयंत नाम के तुम्हारे गुरु रूप में अवतीर्ण हुआ। क्या बोल रहे हैं भगवान, तुमको तो मैंने जन्म ग्रहण करवाया, मैं स्वयं तुम्हारे गुरु रूप में अवतीर्ण हुआ। भगवान साक्षात हमारे समक्ष गुरु रूप में और हम संसार की ओर जा रहे हैं। एक बार सोच के देखो, जिनकी हम उपासना करना चाहते हैं वही हमारे समक्ष हैं और उनकी सेवा हमारी रुचि नहीं है, तो हमारी तो कैसे हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, संभव है क्या? गुरु यही चाहते हैं भाई कि सुबह उठो, वैसे हम इस पर प्रवचन आज देने वाले थे, आज हमने दिया नहीं, पर हम कितने विषयों पर बोले, यदि समय याद है इतने विषय होते हैं। तो डैडी एंड अर्थ हमने पिछली बार बोला, डैडी सॉल्यूशन शायद नेक्स्ट टाइम बोले, और उसका अर्थ तो यही है सुबह उठना। हर अनर्थ का एक समाधान है सुबह उठना,
डैडिया नाथा कौन सा है कौन बताएगा? क्रॉस कंपैरिजन, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं। और हर चीज का सॉल्यूशन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सो रहे होते हैं 2:30 बजे के करीब, जहां उठते हैं सब लोग सो रहे होते हैं छत पे 5वीं मंजिल पे, देखो कोई 84 लाख दुनिया कोई प्राणी नजर नहीं आएगा, कोई नहीं होता। हम सुबह उठते हैं ना, कोई नहीं होता, हवा और हम दो जन होते हैं, जन नहीं है तो हवा होती है, हम कोई नहीं होता। पक्षी भी हमको देखने पता चला, पक्षी कब उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं जब रोशनी थोड़ी आती है, उससे पहले पक्षी भी नजर, कोई योनी नजर नहीं आएगी आपको। हम रोज उठते हैं, हमें पता है, नियम बना लो, और हम इस पर नहीं बोलेंगे टाइम। सुबह उठना, दूसरी बात, यदि आप ब्रह्म वैभव पुराण कुछ मानते हो तो एक और बात बता दें, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं नंद महाराज, ये तो श्योर है ब्रह्म वैभव पुराण में, अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम यद विष्णोर अनिवेदितम, जो अन्न भगवान कृष्ण को विष्णु को अर्पित नहीं होता वो विष्ठा है, मल है, लेट्रिन के समान है। जलम मूत्रम, जो जल हम बिना भगवान को अर्पित किए पीते हैं वो मूत्र के समान है, जो बिना भोग लगाए कहीं पर भी कुछ खाते पीते हैं यदि, तो मल मूत्र का हम खान पान कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हरि बोल, नो डिस्टर्बेंस। जब हम बिना भोग रहे कुछ भी खा पी रहे हैं तो क्या हो रहा है? मल मूत्र का, सोचो लैट्रिन खा रहे हैं और मूत्र टॉयलेट पी रहे हैं। ये कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हो, स्वयं नंद महाराज को अपने पिताजी को बोल रहे हैं। तो जितने भी भक्त तो हैं, बिना भोग लगाए कभी कुछ नहीं पाना चाहिए। देखो यदि आप MBBS भी करते हो तो कितने साल लगते हैं? काफी साल, 20-25 साल लग जाते हैं ना कॉलेज पढ़ाई उसके ऊपर वाली। और कितना डिसिप्लिन चाहिए होता है? डिसिप्लिन पढ़ाई का। हमारे जहाँ रहते हैं ओल्ड में, इनको पता है, जो हमारे ओल्ड के पास में इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, वो तो इतने महंगे महंगे कमरे लेके 10-12 घंटे कर रोज की तपस्या साधना करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, IAS प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, ये तो साधना है। और डिसिप्लिन होता है, सुबह 5 बजे क्लास में चले जाते हैं, हम 5 बजे उठते नहीं है, वो क्लास में पहुंच जाते हैं, अपने वही लॉ कॉमर्स जो भी उनके सब्जेक्ट होते हो। तो हमारे को तो भगवान बता रहे हैं सुबह उठो, जब कोई नहीं जगता तब तुम जगो, और इतना इतना सुख मिलता है जब कि आपको हम क्या बताएं, इतनी खुशी होती है हृदय में। सबसे पहली बात तो यह है, सुबह उठ रहे हो, स्पष्ट है कि आप केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उठ रहे हो, कोई दूसरा कार्य हो सकता है? कोई व्यक्ति 2:30 बजे क्यों उठेगा और हमें जवाब दे? आधी रात को कोई उठता है, वो भी रोज? हमारे सामान्य क्रियाकलाप है 10-10:30 सोते हैं, सुबह 2:30 बजे उठते हैं, और बीच में हम कभी नहीं सोते, और पूरा दिन एकांत, तो कहां पे? वो हिमालय पे है, 5वें मंजिल पे है, कोई नजर नहीं आता, पहले भी कोई नजर नहीं आता था पहली मंजिल में भी, अब तो खैर 5वें में तो वैसे ही कोई नजर नहीं आता। कमरा बन गरम, उठ के देखो 2:30 बजे सुबह, जीवन बदलने लगे। कितने घंटे हो गए बोलते हो? 145 बंद करें, हो गया। चाहे कोई स्त्री देहधारी है, यानी कि आप स्त्री शरीर में हो, या पुरुष देहधारी हो, या पुरुष हो, ये जो आज का पाठ है ये सबके लिए है। बोले मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, ये सबके लिए है। सभी को गुरु सेवा में संलग्न होना चाहिए। और जो वास्तव में बोले मैं क्या करूँ, जो सिंसियर होगा वो लग जाएगा। जैसे कि शराब पीनी हो,
वो ढूंढ ही लेता है अपना काम पूरा कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। उसी प्रकार से जैसे वास्तव गुरु सेवा करना हो वो अपना कर ही लेगा। कभी सुना किसी की शराब पीने की डिजायर भी नकली है? कभी सुना ना क्या इसकी नकली डिजायर है शराब पीने की? असली होती है हमेशा शराब पीना, असली शुद्ध विशुद्ध डिजायर होती है शराब पीने की, मैं पी के रहूंगा। उसी अगर विशुद्ध डिजायर हो कि मैं गुरु सेवा करने तो करके रहेंगे, कोई संदेह नहीं है कि नहीं करेंगे। विशुद्ध डिजायर होनी चाहिए, और नहीं हो तो किसी भी साधना का कोई फल नहीं मिलता। सर्वम व्यर्थ भवे, जो पास्ट में किया जो फ्यूचर में साधना कर रहे हैं या प्रेजेंट में कर रहे हैं, सर्वम व्यर्थम भवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
यदि हम गुरुजनों को, महात्मा जनों को श्यामा श्याम राधा कृष्ण का स्वरूप के रूप में ही हर समय देखेंगे, तो आप विश्वास करिए, अनुभूति की बात बोल रहे हैं, प्रणाम करेंगे, ऊपर उठेंगे, आपको गुरुदेव नजर नहीं आएंगे, आपको श्यामा श्याम नजर आएंगे। प्रणाम किया, ऊपर उठा, आपको क्या दिखे? गुरुदेव नहीं दिखेंगे, श्यामा श्याम। और एक निश्चित बात है, इन्हीं नेत्रों में अनेकों भक्तों को, अनेकों शिष्यों को श्यामा श्याम नजर आएंगे। और केवल शिष्यों को ही नहीं, जिनकी निष्ठा होगी वे इन्हीं नेत्रों में अनेकों लोगों को, अनेकों अनेकों लोगों को, दूर दूर में रहने वाले लोगों को भी इन्हीं नेत्रों में श्यामा श्याम नजर आएंगे। इसी निष्ठा से यदि हम भजन करेंगे तो हमारे को सारे भजन का लाभ प्राप्त होगा। यदि इस निष्ठा से रहित होकर भजन करेंगे तो गुरु निष्ठा के बिना भजन में कुछ नहीं मिलता, जन्म जन्मांतर युगो युगों तक यदि कोई साधक लगा रहे तब भी। गुरु को श्यामा श्याम से अधिक मान सकते हैं, राम से अधिक, राम का दास अधिक मान सकते, कम नहीं मान सकते यदि साधना का फल प्राप्त करना है। और ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अगर ये मन में आ गया क्रॉस कंपैरिजन उनके साथ ऐसा उनके बोला क्या, ये तो सब खत्म। हमको लगेगा छोटी सी बात है, पर फादर से तो सब बाकी फर्क लग के उड़ जाएगा। आप सबका कल्याण हो, इसी आशा से हमने आज का पाठ दिया है। इस सारे पाठ को समाधि चित्त होकर सुनेंगे तो समझ आएगा, तो बार बार सुने, ये एक पाठ में सब कुछ है, जो भी हम सोच सकते थे उससे भी अधिक सब कुछ है। आप सब लोग वहां जाने के अधिकारी वास्तव में हो पाए, जहां श्यामा श्याम आपको असली में ले जाना चाहते हैं। इसी शुभकामना के साथ आज के सत्र को हम आज अब विराम देते हैं।